संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम शाही पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। पनीर, काजू और बादाम, दही, टमाटर, थोड़ा सा जीरा, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। गैस हमने चला दिया है और पैन रख दिया है तेल डाल करके। हम इसमें अपना पनीर एक एक करके डालेंगे। पनीर को हमको सेलो फ्राई करना है, ज्यादा इसको नहीं तलना है। हमारा पनीर फ्राई हो गया है, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे, गैस को मंद रख लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई पे तेल डालेंगे और प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को डाल देंगे। ये जो हमने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था वो थोड़ा सा हमारा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये हल्दी पाउडर और यहीं पे डाल देंगे ये धनिया पाउडर। अब इसी स्टेज पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम का पेस्ट। चला देंगे बराबर से। ये देखिए हमारा पूरा मसाला अच्छे से पक गया है, तेल भी छोड़ने लगा है। अब डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमने पीस करके तैयार कर लिया है, 3 टमाटर काटे थे और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारा ये मसाला पूरा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से थोड़ा सा पकाएंगे, ज्यादा नहीं। यहीं पे डालेंगे दही। जब आप दही डालें तो बिल्कुल गैस को मंदी कर दें या बंद भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा डाल करके चलाएंगे, नहीं तो दही फट जाता है। दही भी इसी में ऐड कर दिया है। अब गैस को बिल्कुल मंदी ही रखेंगे और थोड़ी देर इसी तरह से चलाते रहेंगे। फिर दही को डाल करके हमने इसे कम से कम 5 मिनट तक इसको चलाया है इसी तरीके से। अभी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम 1 गिलास ऐड कर रहे हैं, ये देखिए, और उबाल आने तक इसको ढक करके रख देंगे। गरम मसाला ज्यादा गाढ़ा था तो हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। 1 गिलास पहले किया था, 1 गिलास अभी किया है। अब गैस को तेज ही रखेंगे और शाही पनीर का मसाला हमारा पूरा तैयार हो गया है, बढ़िया उबाल आ गई है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से पक चुका है। हमने पनीर डालने के बाद इसे 10 मिनट पकाया था। ये देखिए अच्छा ठीक हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। चलिए प्लेटिंग करते हैं।